वर्ल्ड कप टीम का ऐलान होते ही इस खिलाड़ी ने लिया संन्यास, फैंस के बीच मची सनसनी। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम इंडिया का ऐलान होते ही एक खिलाड़ी ने बड़ा फैसला लिया है। इस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीमों ने अपने स्क्वाड का ऐलान करना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बाद भारत और साउथ अफ्रीका ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम के ऐलान के साथ ही एक खिलाड़ी ने वनडे फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। ये खिलाड़ी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद वनडे क्रिकेट छोड़ देगा। बता दें कि साल 2021 में इस खिलाड़ी ने टेस्ट फॉर्मेट से भी संन्यास ले लिया था। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए साउथ अफ्रीका ने 15 सदस्य टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम से कई स्टार खिलाड़ियों को बाहर किया गया है। वहीं इस टीम के ऐलान के साथ ही स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज क्वेंटन डिकॉक ने अपने फैंस को बड़ा झटका दिया है। क्वेंटन डिकॉक ने घोषणा की है कि वह वर्ल्ड कप 2023 के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। बता दें कि क्वेंटन डिकॉक T20 क्रिकेट खेलना जारी रखेंगे। क्वेंटन डिकॉक ने इससे पहले साल 2021 में टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। उन्होंने 2014 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। डिकॉक ने साउथ अफ्रीका के लिए कुल 54 टेस्ट खेले। इस दौरान उन्होंने 38.82 की औसत से 33 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में डिकॉक के बल्ले से कुल 6 शतक और 22 अर्धशतक निकले। वहीं उनका सर्वाधिक स्कोर 141 रहा। वनडे की बात की जाए तो उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए अभी तक कुल 140 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 5966 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 17 शतक और 29 अर्धशतक निकले हैं। अब डिकॉक ने वर्ल्ड कप 2023 के बाद वनडे को भी अलविदा कहने का मन बना लिया है और वो वनडे वर्ल्ड कप के बाद संन्यास ले लेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर क्रिकेट से जुड़ी अपडेट लगातार लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।